जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए 3624 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कई सारी वैकेंसी रेलवे अप्रेंटिसशिप, डीआरडीओ अप्रेंटिसशिप, एनपीसीआईएल का है। नीचे जाइएगा तो और भी कई सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल जाए दोस्तों। फॉर्म को अप्लाई करने के पहले ये एक वीडियो है जिसमें हमने डॉक्यूमेंट की जानकारी दी हुई है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके भी पहले आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप की नोटिस, जिसमें हम बताया है कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करिए पूरी जानकारी के साथ, ठीक है। फॉर्म देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करने का लिंक अनिल सर आई टी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अनिल सर आई टी वेबसाइट पर आप करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप पे देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप दिखाई देगा। इस पर क्लिक करिए तो अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है, साथ ही साथ पूरी जानकारी भी दी गई है। इस पर क्लिक करिए तो आप नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके ये अप्लाई करिएगा। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक है, टू रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फॉर्म गलत हो जाता है तो यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिक है टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिलोंग पूछा किस राज्य से है, बिहार, और आधार नंबर है तो आधार नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे पूरा नाम इंटर करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो है पिता का नाम इंटर करेंगे, जेंडर चूज कर लेंगे, कम्युनिटी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, क्या डेट ऑफ बर्थ है, पहले ईयर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हो गया, पहले ईयर मंथ फिर डेट, 23 साल 5 महीना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं है तो नो कर दीजिएगा, मतलब कोई डिसेबल कैंडिडेट हो तो यस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन वाला है, अगर कोई है जो पहले एक्स पहले से जॉब कर रहे थे सर गवर्नमेंट जॉब, तो उसको छोड़ करके रेल अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, या उनका रिटायर हो गया है, या कोई ऐसे कैंडिडेट है जिनके कार्य जीवन जो थे डिफेंस में थे तो वो जो या है यार्ड ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सन, तो मतलब कार्य जीवन कोई सर्व कर रहे हैं तो डिफेंस में, तो वो यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे यार्ड ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल, ठीक है, नहीं तो नो कर देंगे। आई टी आई पास स्टेट जो है कई स्टेट से आई टी आई किए हुए हैं, और यहाँ पे किस स्टेट से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उसको लिखना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, पहले फिलअप कर लें, एक बार पूछा जाएगा किसी तरह कोई गलत है तो एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, और जैसे रजिस्टर करेगा आपके रजिस्ट्रेशन आई डी और पासवर्ड जो है आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, आप अपना ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उससे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर लॉगिन करते हैं, और आप कहा जा रहा है कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और रजिस्ट्रेशन आईडी हम अपना देख लेते हैं ईमेल आईडी से, जो ओटीपी आपके मोबाइल पर गया है यहाँ पर ओटीपी इंटर करेगा, एसएमएस के माध्यम से गया हुआ है, हम यहाँ ओटीपी इंटर करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे वो पुराना पासवर्ड जो था उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और जो नया वाला पासवर्ड है वो हम नया पासवर्ड हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। दूसरी बार ये पासवर्ड डालना पड़ेगा, दो बार पासवर्ड डालिए तब आगे अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो गया, फिर से आपको यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट हो गया आपसे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे आईडी और पासवर्ड एंटर करके, तो हमारा जो है फिर आप अप्लीकेशन फॉर्म भराएगा। यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं इसका ध्यान रखना है, ठीक है। हम अहमदाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा, जैसा कट ऑफ जाएगा उसी के आधार पर आपका। फिर आगे क्वालिफिकेशन डिटेल आता है, क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक किस बोर्ड से किया हुआ है, आंध्रा, केरला या अदर बोर्ड, तो अदर बोर्ड कर देंगे, और बोर्ड का नाम यहाँ पे कर लिख देंगे जो भी बोर्ड है आपका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है किस इंस्टीट्यूट से, मतलब आपने मैट्रिक किया हुआ है तो बक्सर हाई स्कूल हम लिख देते हैं, अपना स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पे पासिंग ईयर का पास आउट हुए तो उसको लिखना है, बढ़िया पूरा नाम लिखिएगा स्कूल का, ठीक है। अब हम लिख देते हैं 2020 से पास आउट हुए,
और मैं एसएससी जो है इक्विवेलेंट मतलब मार्क्स डालना है आपको, मैट्रिक में कितना मार्क्स आए हुए हैं। अब यहाँ देखिए मैट्रिक का जो मार्क्स है आपको टोटल नंबर देना है, अगर आप यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर देना है, ठीक है, जो आपका मैट्रिक का मार्कशीट है उस पर उसका नंबर जो उस पर लिखा हुआ है उसको उस नंबर को सही से उतारना है। देख लीजिए गलती ना हो, जो मार्कशीट पे ऊपर नंबर दिया रहता है कोने में उसमें वही नंबर सही से फिलअप करना है। अब यहाँ आते हैं मार्क्स और सीजीपीए दिया हुआ है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से या कोई ऐसे बोर्ड से जहाँ सीजीपीए चलता है तो यहाँ सीजीपीए टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, तो 9.5 कर दे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए। और मार्क्स वाला है तो यहाँ पे मार्क्स है, अगर हमारा मार्क्स आया हुआ है तो आउट ऑफ कितना है तो यहाँ पे मान हमारा 600, जैसे बिहार बोर्ड है तो 600 नंबर होता है, 500 दिखाई देता है लेकिन 100 जो है इंग्लिश होता है उसको नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ कैलकुलेट कर दीजिएगा नहीं तो यहाँ पे डीबी में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स कितना आया उसको यहाँ पे इंटर करना है, तो यहाँ पे 600 में 300 इंटर करते हैं तो परसेंटेज आया 50%, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, एड्रेस पूरा एड्रेस फिलअप कर देंगे, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। और यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स पूछा जा रहा है, टेक्निकल में आईटी का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, सीधे पासिंग ईयर पे सेलेक्ट करते हैं। और एनटीसी नंबर जो मैं आईटीआई का जो सर्टिफिकेट एनटीसी सर्टिफिकेट उस पर नंबर दिया गया है उस नंबर को लिखना है, और यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है तो हम लिख देते हैं अपना स्कूल का पूरा नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद किसने सर्टिफिकेट इशू किया है तो एनसीबीटी ने किया तो एनसीबीटी टाइप करेगा, और एसीबीटी वाला है तो एसीबीटी टाइप करेगा। यहाँ पे चल लेते हैं मार्क्स कितना नंबर का हुआ था, तो टोटल नंबर यहाँ पे इंटर करना है 1200 है या 1300, अपना कंसोलिडेट मार्कशीट देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कितना नंबर आया था उसको टाइप करेंगे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे यस कर दीजिएगा, सब यस ऑटोमेटिक होगा। पहले चूज करना है फिर अपलोड करना है, पहले चूज करना है फिर अपलोड करना है। यहाँ मैट्रिक का देखिए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पहले यहाँ पे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म का डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है इससे पूरी जानकारी दी गई है। और उसके बाद हम आपको बता दें डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहिए कि हम गलती करते हैं, उसको देख लीजिएगा। ये सारा सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। चलिए हम अपलोड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सारा प्रीव्यू आ जाएगा, एक बार प्रीव्यू चेकआउट कर लीजिएगा। और चेकआउट करने के बाद आपको यस यस कर दीजिएगा, यस करने के बाद आपको देखिए अगला जो है यहाँ पे सबमिट करिएगा। अगर आप जनरल ओबीसी होंगे तो आपका जो है यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट लगेगा, नहीं तो आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वीमेंस कैंडिडेट होंगे तो पेमेंट नहीं लगेगा, सीधा आपका डाउनलोड एप्लीकेशन हो जाएगा। और अगर जनरल होंगे ओबीसी होंगे तो आपके यहाँ से यूपीआई के माध्यम से नेट बैंकिंग या कोई भी डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करके अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है किसी तरह कोई गड़बड़ी हो गया फॉर्म में तो फिर से आप यहाँ पे आइएगा, आप लिंक पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर जाइएगा तो आपको एक लिंक नया लिंक मिलेगा जिस पर आपको दिखाई देगा फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन, क्लिक हियर टू एडिट योर सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया था एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली फॉर कैंडिडेट हु कैन कंप्लीटेड मैट्रिक और आईटीआई, ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई गलती हो जाए तो यहाँ से सबमिट करने के बाद भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर देख लीजिएगा, हमने ट्राई नहीं किया अभी तक, कोई दिक्कत हुआ तो हम एक चीज नीचे कमेंट करिए उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो अगली जानकारी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अनिल सर आईटीआई का ऐप आ चुका है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आपको जॉब संबंधित तैयारी कराई जाएगी, उस पर कई सारे कोर्सेज चल रहा है अभी, सीआईटीएस का कोर्सेज चल रहा है लगातार, एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो आप भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।